जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान स्वयं सेवक सीधी भर्ती 2024। जी हां दोस्तों, जो स्वयं सेवक दल होते हैं उनकी भर्ती को लेकर के एक सूचना सामने आई है, वह सूचना हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। यह स्वयं सेवक दल क्या होता है, कौन कौन बन सकते हैं स्वयं सेवक, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है, इंटरव्यू दो और स्वयं सेवक बनो, ये इसके आधार पर इसको लगाया जाता है। अब स्वयं सेवक कौन कौन बन सकता है, एज क्या रहती है, योग्यता क्या होता है, चयन कैसे होता है, वो तो इंटरव्यू से होता है, चयन तो ठीक है, ठीक है जी। काम क्या करना पड़ता है स्वयं सेवक को, अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में इसको काम मिलता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओम वीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो, इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। अब भाई फटाफट से इसकी जानकारी देखते हैं, स्वयं सेवक क्या होते हैं, कितने पैसे मिलते हैं इनको या नहीं मिलते हैं, जो भी चीज़ें हैं एकदम क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में, आप जान जाओगे कि स्वयं सेवक दल क्या होता है। ठीक है साहब, 1% भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको स्वयं सेवक को लेकर के, इसकी सारी जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं। राजस्थान स्वयं सेवक सीधी भर्ती 2024, स्वयं सेवक दल, इंटरव्यू दो, नौकरी लो, गांव में मिलेगी नौकरी, महिला और पुरुष दोनों ही इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये स्वयं सेवक क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, इसकी सारी जानकारी देता हूं। अगर इससे संबंधित कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी शंका हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर आप ऑडियो कॉल के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई भी मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई भी जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, अब देखो इसकी बात करते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, ऑफलाइन आवेदन कमिंग सून है, राजस्थान में ये भर्ती अभी नहीं आई है, इस बात का मैं पहले ही खुलासा कर देता हूँ। कोई भी भाई बहन ये कन्फ्यूजन में ना रहे कि साहब राजस्थान में भी ये भर्ती आई है क्या, नहीं, राजस्थान में ये भर्ती अभी नहीं आई है, यह कमिंग सून चल रहा है। कहाँ पर भर्ती निकली है वो भी बातें करेंगे, सारी चीज़ें सबसे पहले ये जान लो कि ये क्या होता है तुम्हारा स्वयं सेवक दल। स्वयं सेवक दल इस प्रकार से होता है, आपने बहुत देखे होंगे, बाजार में देखे होंगे, खाकी खाकी पैंट होती है, सफ़ेद शर्ट होती है, ठीक है, बेल्ट साख लगा करके रहते हैं, सुबह सुबह आपने परेड करते हुए देखा हो, कभी बाजार में घूमते हुए देखा हो इनको। तो ये क्या करते हैं, ये सामाजिक उत्थान के लिए होते हैं कि भाई जैसे किसी को योजनाएँ को बताना, किसी के लिए काम करना, ठीक है, समाज की भलाई करना, समाज की सेवा करना, ये इनका काम रहता है। जैसे मान लो कोई पेंशन नहीं ले पा रहा है और पेंशन का पात्र है तो उसकी पेंशन बंधवा देना, ठीक है, कोई विकलांग है उसका सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने में सहायता करना, पेंशन बंधवाने में सहायता करना, किसी को गेहूं नहीं मिल रहे हैं तो उनके बारे में सूचना देना, ये चीजें होती है समाज के भलाई के कामों में ये काम करते हैं, समझ रहे हो। अच्छा जी, इनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 साल है और अधिकतम कोई आयु नहीं है, चाहे कोई 70 साल का भी बन सकता है, चाहे कोई 80 साल का भी बनना चाहे तो स्वयं सेवक बन सकता है। इसमें कोई वेतन नहीं मिलता है साथियों, बिल्कुल। अगर आप समाज का भलाई का काम करना चाहते हैं, समाज का सहयोग करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई वंचित वर्ग है, उसकी मदद करना चाहते हैं, तो आप स्वयं सेवक बन सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर विशेष ड्यूटी लगाई जाती है आपकी तो प्रतिदिन 500 रुपये मानदेय के हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, वो विशेष परिस्थितियों में ड्यूटी लगाई जाएगी तब आपको 500 रुपये मिलेंगे एक ड्यूटी के, अन्यथा आपको कोई
वेतन अलग से नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी, फॉरम फीस 0 रुपए है। पदनाम क्या होता है इनका? स्वयं सेवक होते हैं, वॉलंटियर होते हैं। योग्यता क्या होती है? 10वीं पास कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। आपराधिक मामला दोष नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके कोई केस पांदड़ा नहीं लगा होना चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा आदमी हो, बढ़िया नेक इंसान हो, वो इसमें जा सकता है। स्वयं सेवक कौन कौन बन सकते हैं? कोई भी बन सकता है, वैसे तो कोई भी बन सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी बन सकता है, लेकिन ज्यादातर कौन बनते हैं? शिक्षक सेवानिवृत्त अधिकारी होते हैं। शिक्षक सेवानिवृत्त कोई टीचर है सरकारी वगैरह, वो बनते हैं। सरकारी कर्मचारी कोई रिटायरमेंट होने के बाद, वो भी बनते हैं। वरिष्ठ नागरिक कोई भी बन सकता है, छात्र छात्राएं भी बन सकती हैं अगर उनकी एज 18 साल हो चुकी है तो। कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, लड़कियां हैं, वो भी बन सकती हैं। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, वो भी बन सकती है। डॉक्टर हो, टीचर हो, मास्टर हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन की बात करें तो कोई वेतन नहीं मिलेगा। विशेष ड्यूटी मिलने पर प्रतिदिन मानदेय 500 रुपए के हिसाब से इनको वेतन मिलता है। अगर कोई आपको ये कहे कि साहब स्वयं सेवक को 5000 तनख्वाह मिलती है, 6 मिलती है, 15000 मिलती है, ना कोई तनख्वाह नहीं मिलती है साथियों। इनको विशेष ड्यूटी मिलती है तब इनको पैसे मिलते हैं 500 रुपए के हिसाब से एक ड्यूटी के। ठीक है जी, वर्तमान में ये भर्ती निकल रही है पटना में। ऑफलाइन आवेदन शुरू है 1 मई 2024 से, लास्ट डेट है 10 मई 2024। अगर कोई भी भाई बहन पटना का निवासी है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। ऑफलाइन आवेदन है, फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर इसका नोटिफिक भी डाल दिया गया है, इसका फॉरम भी डाल दिया गया है। कोई भी पटना बिहार से है वो फॉरम भर सकता है। और रही बात राजस्थान वालों की, तो राजस्थान में अभी ये भर्ती कमिंग सून है। जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम आपके साथ साझा कर देंगे और आपको बता देंगे भाई। फॉरम फीस 0 रुपए है। चयन कैसे होगा? शॉर्टलिस्ट होगी, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स और मेरिट लिस्ट जारी होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स अपने फॉरम के साथ लगाने पड़ते हैं, जैसे मार्कशीट है, आधार कार्ड, 2 फोटो, मूल जाति फॉरम, अनुभव प्रमाण पत्र हो तो लगा दो, एक्स सर्विसमैन कोई है तो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दे। फॉरम कौन कौन भरे? बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर व वंचित वर्ग के उत्थान में रुचि रखते हों, जो दूसरों की सेवा में रुचि रखते हैं वो इसमें फॉरम भर सकते हैं। जो दूसरों के लिए काम कर सकें भाई, दूसरों का भला कर सकें कोई, वो स्वयं सेवक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल मेडिकल नहीं होता है, आप जैसे भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस आप थोड़े स्वस्थ हो, हष्ट पुष्ट हो तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की रही बात, ये हर ड्यूटी के 500 रुपए के हिसाब से आपको मिलेंगे, वो भी कोई परिस्थिति होगी, ड्यूटी आपको दी जाएगी तब, अन्यथा तो आपको फ्री में ही काम करना पड़ेगा, आपको फ्री में ही लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये होती है स्वयं सेवक दल की बातें, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, 1% भी डाउट नहीं छोड़ा है। ठीक है जी, इससे संबंधित जो भी खबर आएगी राजस्थान में, जैसे ये भर्ती आएगी तो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे और आपको सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है साहब, तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।